हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीवन। तो देखिए, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जारी कर दिया है और फर्स्ट ग्रेड में हर बच्चे का सब्जेक्ट जो है वो अलग होता है। यहाँ पर भी सेकंड ग्रेड की तरह दो पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है साइट पर ही लेकर चल रही हूँ आपको आरपीएससी की, तो जिसमें जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे आरपीएससी, जैसे ही टाइप करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर चलना है, ये लिंक दिया हुआ है rpsc.rajasthan.government.in। कई बच्चे जो है सिलेबस नहीं देख पाते हैं तो वो अच्छे से देख लें, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है आपके एग्ज़ाम से संबंधित। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है सिलेबस जो नया आया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा, ये लिखा है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर नीचे देखिए, यदि आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट यानी फॉर्म भरने से संबंधित यदि कुछ देखते हैं तो यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। सिलेबस, हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस यदि देखना चाहते हैं आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन पेपर यदि लास्ट ईयर के आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे सिलेबस जो कि बिल्कुल अभी जारी हुआ है फर्स्ट ग्रेड का। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल लेक्चरर 2022 का सिलेबस है, आज की ही डेट है, अभी कुछ समय पहले ही जारी किया गया है। तो फर्स्ट पेपर जो कि सभी का समान होता है, जैसे ही, तो यहाँ पर दो पेपर होते हैं फर्स्ट ग्रेड में भी सेकंड ग्रेड की ही तरह। तो फर्स्ट पेपर सभी बच्चों के लिए समान है। तो जैसे ही आप ये लिंक जो है यहाँ पर डाउनलोड का जो ये मार्क है इस पर डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके सामने खुल जाएगा। तो ये आपके जो सिलेबस है ये पेपर वन का है, अभी हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो है यहाँ पर देखिए, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सेकंड पेपर के, फिजिकल एजुकेशन का सेकंड पेपर, उर्दू है आपका, सोशोलॉजी है, संस्कृत है, पंजाबी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, होम साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर में, तो उसको आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड करें, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें, ताकि सिलेबस जो है वो आंखों के आगे होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की। तो ये रहा आपका स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड का पेपर वन जीके का, जो कि सभी के लिए समान है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है सिलेबस में, बहुत अच्छे से जो है आप खुद डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकाल कर आप देखिएगा, ठीक है। मेरा तो काम है यहाँ पर आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट जिसमें आपके राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आप लोगों ने सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर जीके का है वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो पढ़ ली हैं। राजस्थान के संदर्भ में साहित्य और आर्ट जो है वो आपने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। 1857 की क्रांति जो है वह कवर कर ली है। इसके साथ साथ जो है आपने एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बैराट, वहाँ पर आपने पढ़ी है। तो किस तरीके से जिन बच्चों ने सेकेंड ग्रेड का जीके का फर्स्ट पेपर लिया है तो यहाँ पर भी आपको जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। और हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी आपकी जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है राजस्थान की, वही है यहाँ पर भी, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, अजमेर, रिलेशन विद दिल्ली सुल्तान, मेवाड़, रणथंबोर, जालौर और मुगलों के साथ राजस्थान के संबंध, सांगा, प्रताप, मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर, राज सिंह। तो इन्होंने बिल्कुल जो है वही का वही जो है यहाँ पर पॉइंट रख दिए हैं जो सेकंड ग्रेड जीके के में थे। इसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, जनजातीय आंदोलन, ये सब कुछ वही का वही है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, जहाँ राजस्थान का एकीकरण है, सोसाइटी एंड रिलीजन, लोक देवता, देवियाँ, राजस्थान के संत, मंदिर, महल, ठीक है, किले, पेंटिंग, फेयर फेयर एंड फेस्टिवल, कस्टम, ड्रेस, सब कुछ वही है। कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ये अलग से आपको पढ़ना है। जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और जिन्होंने सेकेंड ग्रेड का हमारा कोर्स लिया हुआ है जीके का, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का जीके तो आपका कवर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जहां आपकी रीजनिंग जो है पूछी जाती है, ठीक है, स्टैटिस्टिक पूछी जाती है सेकेंडरी लेवल की, वहीं पर मैथ भी आपका जो है सेकेंडरी लेवल का ही पूछा जाता है।
और मैंचुरेशन का जो है पार्ट ये पूछा जाता है। साथ में ही हिंदी में जो है बिल्कुल समान है। हिंदी के लिए जो है वो मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करती आ रही हूँ कि आरबीएससी की जो एक बुक आती है ग्रामर की, 9 से 12th की एक ही बुक आती है जिसमें आपके हिंदी ग्रामर आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, मार्केट में यदि आप देखेंगे तो 9 से 12th तक हिंदी ग्रामर की एक ही बुक जो है वो चलती है, उसे आप खरीदिएगा आरबीएससी की। आपके सारे टॉपिक कवर होंगे, इंग्लिश जो है वह भी आपकी यहाँ पर ग्रामर है कंप्लीट, करंट अफेयर जो है वो आपको यहाँ पूछा जाएगा राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। फिर देखिए जनरल साइंस जो है आपका साइंस पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी। अब देखिए इंडियन पॉलिटी जो है वो हर जगह समान ही रहती है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दो, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, क्योंकि वही चीज़ पूछी जाती है। संविधान पूछा जाता है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ये चीज़ें सभी पूछी जाएंगी, इलेक्शन पूछे जाएंगे और कैबिनेट, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, स्पीकर और उनके कार्य, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ जो है इंडियन पॉलिटी हर जगह एक जैसी ही होती है। ज्योग्राफी राजस्थान की देखिए, हर एक एक पॉइंट देखिए, लोकेशन मैंने आपको करा दिया, एक्सटेंट, शेप, साइज, फिजिकल फीचर, ड्रेनेज, क्लाइमेट, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो आपको सर ने करवाया। और एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ये भी आपने सेकेंड ग्रेड के जीके के पेपर में कर लिया है। फिफ्थ पॉइंट जो पूछा इन्होंने, ये एजुकेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पेपर है आपका जीके का, ये 150 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बुक जो है वो पढ़नी होगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे जीके के फर्स्ट पेपर की, हमारे चैनल के साथ कोर्स जिन्होंने लिया हुआ है, तो उनको यहाँ पर जो है काफ़ी मदद मिली है। यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है मैंने कोर्स में कंप्लीट करवा दी है, तो आपको कितनी हेल्प मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने देखा है। तो मेरा यही हमेशा से मानना है कि बच्चों का जो है वो फायदा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एक कोर्स लें एक एग्जाम के लिए, दूसरा कोर्स लें दूसरे एग्जाम के लिए, तीसरा कोर्स लें तीसरे एग्जाम के लिए। कोर्स जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो पॉइंट किसी भी एग्जाम में आए तो आपको वही पढ़ना पड़े, इसके अलावा जो है वो आप कहीं से ना पढ़ें। क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं बनाए हुए वो ऑथेंटिक बुक से बनाए हुए हैं और इसके साथ ही ग्रेजुएशन तक के जो है पॉइंट वहां पर इंक्लूड हैं, जिससे कि आपको सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी पॉइंट यहाँ पर हैं आपके राजस्थान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो वहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। और साथ में यदि मैं आपके लिए जो है बुक बताऊं यहाँ पर, तो आप देखिए ग्रेजुएशन तक की जो है वो बुक यहाँ पर पढ़ें, और खुद के सब्जेक्ट की तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़नी ही होगी। ठीक है, ऑथेंटिक बुक का ही सहारा लें जो कि स्कूल में, कॉलेज में चलती हैं, और इसके अलावा जो है वो गाइडों का सहारा आप ना लें। तो ये मेरा बताना था आपको, और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो है आरपीएससी की साइट पर जाकर जो है अपना सिलेबस डाउनलोड करके और प्रिंट जो है वो अपने पास रखें। जो भी आप देखना चाहें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, किसी का भी सिलेबस जो है वो देखना चाहें, तो साइट पर जाकर देखा करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।